दोस्तों अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो वीडियो आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गूगल प्ले बुक के बारे में, जिसमें आपको ढेरों सारी बुक्स मिल जाती है जिनका उपयोग आप अपने लिए कर सकते हैं। दोस्तों गूगल प्ले बुक को कैसे यूज करना है दोस्तों, वो हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आप आसानी से समझ सकें। फ्रेंड्स, आपको प्ले स्टोर से गूगल प्ले बुक को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको इसका जो इंटरफेस है वो आपको सिंपल सा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर इसका जो होम पेज है वो आपको एकदम सिंपल सा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों आपको यहाँ पर ढेरों सारी बुक्स मिल जाएंगी जिन्हें आप यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं और उसे आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर जो बुक्स है उनकी दो कैटेगरी मिलती है, एक मिलता है ऑडियो बुक्स, दूसरा मिलता है ई बुक्स। ई बुक्स के माध्यम से आप उन सारी बुक्स को पढ़ सकते हैं और ऑडियो बुक के माध्यम से आप उन सारी बुक्स को सुन सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर लाइब्रेरी ऑप्शन की। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ढेर सारी बुक्स मिल जाती है जिन्हें आप पढ़ चुके हैं या फिर आपने उसे डाउनलोड किया हुआ है। वो सारी कैटेगरी आप यहाँ पर लाइब्रेरी में चेक कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन की, जो कि है शॉप ऑप्शंस। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बुक्स की ढेर सारी आपको यहाँ पर कैटेगरी मिल जाती है। आप उन कैटेगरी को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर ई बुक्स में। जब आप ई बुक्स पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टॉप सेलिंग, डील्स, न्यू रिलीजेस और आप देख पा रहे हैं जनरिस। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टॉप फ्री। अब बात करते हैं यहाँ पर टॉप फ्री वाले ऑप्शन की। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर जितनी बुक्स मिल रही है इनको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं और इन्हें आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर बुक्स मिलती है दो तरह से, एक मिलता है बिल्कुल फ्री और दूसरा मिलता है आपको यहाँ पर पैसे से, आप उन्हें खरीद सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो बुक्स है उन्हें आप यहाँ पर पढ़ने के लिए उन बुक्स पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रीड का ऑप्शन, इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसे बगैर डाउनलोड किए हुए मैं इसे पढ़ सकूँ तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर टैप पर क्लिक कर देना है और इसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब आप कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर स्वाइप करना है इस तरीके से और आप इस बुक्स को आसानी से पढ़ सकते हैं इस तरीके से। अब आपको इस तरीके से आप एक से एक बुक को पढ़ सकते हैं, उन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर पैसे वाले बुक की। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका जो फीस है वो है 75 रुपीज़। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बाय करना पड़ेगा इसे पढ़ने के डाउनलोड करने के लिए। दोस्तों अब आप चाहते हैं कि इसे मैं फ्री में पढ़ सकूँ, उसके लिए आपको यहाँ पर फ्री सैंपल पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस बुक को अब आपको यहाँ पर इस इमेज पर टच कर देना है एक बार। अब आप इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अब आपको इसे पढ़ने के लिए बगल में स्वाइप करना है, अब आप इसे आसानी से पढ़ पाएंगे। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप इस बुक को जो पेड वाली बुक है उसे आप डाउनलोड नहीं कर सकते, उसे आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं अपने फ़ोन में। दोस्तों आज हमने जाना इस वीडियो में गूगल प्ले बुक के बारे में, जिससे आप एक से एक बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं और उन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।